लेबनान से अटैक के बाद इसराइल में कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में भी कुछ रॉकेट्स गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है इसराइली एजेंसियां। ये देखिए तस्वीरों में आपको वो दिख भी रहा है। इससे पहले मैं आपको दिखाया कि कैसे गैस स्टेशन पर एक रॉकेट गिरा, उसके बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। सिर्फ गैस स्टेशन पर ही नहीं बल्कि कुछ रिहायशी इलाकों में, इसराइल के कुछ रिहायशी इलाकों में भी रॉकेट गिरे हैं और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें इसराइली एजेंसियां जुटी हुई हैं। हालांकि हमास और लेबनान खुलकर यह नहीं कह रहा है कि रॉकेट्स उनकी तरफ से गिराए गए, लेकिन इसराइल ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से यह सब कुछ किया गया है और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मनन मौजूद हैं। प्रोफेसर मनन, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? वजह, सबसे बड़ी बात जो जहन में आती है वो ये कि वजह क्या नजर आती है? तमाम समझौतों को दरकिनार करते हुए इजरायली फोर्स का अलक्सा मस्जिद कंपाउंड में यूं घुस जाना, वहां पर जाकर बल प्रयोग करना, वजह क्या थी इसकी? क्या जानबूझकर इस पूरे रीजन को सुलगाने की कोशिश की गई? जी, मेरा यहाँ पर ये सोचना है कि जिस प्रकार से चीन ने इंटरफेयर किया, हाँ, और चीन इंटरफेयर करके सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच डेटांट कराने का प्रयास किया, दोस्ती करवाने का प्रयास किया, तो उसके चलते हुआ ये कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त अमेरिका है जी, उसका रेगुलेटर स्टेटस उससे कम होता दिखता है। ये ऐसा नहीं कि दो चार महीने में जो रेगुलेटर और इंटरनेशनल जोकर एक्टर का स्टेटस जो अमेरिका को मिला है वो छूट जाएगा, पर कहीं ना कहीं इसका रिपरकशन है कि इसराइल को, ऑस्ट्रेलिया को, कतर को और अमेरिका को एक तरीके का मैसेज है कि अगर आप लोग यूक्रेन वॉर के अंदर भी आक्रांता को रोकने का प्रयास करेंगे तो हम आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, यानी आप ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की शह पर हो रहा है, जानबूझकर इस रीजन को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। जो स्थितियां हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं।